तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे जो हमारी वॉशिंग मशीन का स्पिनर होता है वो आवाज़ करता है। देखिए ये हमारा एक स्पिनर है, ठीक है, ये किस प्रकार की आवाज़ करता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए जैसे ही हम इसको स्पिनर को चालू कर दें, ठीक है, तो देखिए इस प्रकार की जो आवाज़ कर रहा है ची ची की। तो दोस्तों इस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना होगा, किसी भी मिस्त्री को आप लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी आवाज़ कर रहा है और ये हमारा स्पिनर चल रहा है और चिर्र की कितनी आवाज़ आ रही है दोस्तों, खुद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरे घर में इस प्रकार का शोर रहता है, ठीक है, तो उसको करने के लिए देखिए आप लोगों को क्या करना है। ठीक, सबसे पहले देखिए आप लोगों को इतनी रुई लेनी है, एक रुई ले सकते हैं, कपड़ा ले सकते हैं, यानी कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को मोबिल लेना, तो मैं कुप्पी में से यहाँ पर मोबिल इस कपड़े पर यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, अच्छी तरीके से भी आप लगा सकते हैं, मैं थोड़ा ही लूँगा। देखिए ये ले लिया, ठीक है, अब इसको मैं एक बार यहाँ रख देता हूँ और प्लग जो है उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पावर जब ये काम करें पावर हटा देनी है। देखिए पीछे जो ये पुली आप लोग देख रहे हैं, मैं चांदना थोड़ा करके दिखा देता हूँ। देखिए ये जो पुली आप लोग देख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद जो हमारी सापट दिख रही है, उस सापट पे आप लोगों को क्या करना है, वहाँ हमारी सील होती है, जो सील का जो बुश होता है दोस्तों वो हमारा क्या होता है, यानी कि लोहे का होता है, सील का जो बुश होता है पीतल का, ठीक है, तो उस पीतल के बुश को आप लोगों को ऊपर नीचे करना है, इस ऊपर नीचे करके इसको लगा देना है ठीक करके, यानी कि उस बुश के चारों तरफ हमें ये तेल लगा देना है। ठीक, मैं यहाँ लगा रहा हूँ जैसे उस प्रकार से कि उस बुश के अंदर चला जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमारा जब बुश के अंदर ग्रीस चला जाएगा या तेल या मोबिल यानी किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो क्लियर चलने लगेगी, ठीक है। देखिए अब मैंने यहाँ से तेल लगा दिया है, अब वो यहाँ से प्लग लगा देता हूँ मैं, इसकी सप्लाई करेंगे और सप्लाई दे देता हूँ, ठीक। इसको मैंने स्टार्ट किया, देखिए हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो रन करने लगी, स्टार्ट हो गई, और देख सकते हैं किसी भी प्रकार की आवाज़ अब हमारी वॉशिंग मशीन नहीं करेगी। अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम है दोस्तों तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है वॉशिंग मशीन में, मैं सारी की सारी आप लोगों को क्लियर में बता दूंगा, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए मैं मानता हूँ बहुत अच्छा मैंने आप लोगों को समझाया, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार वीडियो के साथ।